और जैसलमेर से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है जहां पर सब्जी मंडी व्यापारियों का विरोध है। आपको बता दें जैसलमेर की सब्जी मंडी बंद रही है, कल से जैसलमेर के बाजारों से पूरी सब्जियां जो है वो गायब हो सकती हैं, हरी सब्जियां गायब हो सकती हैं। सब्जी मंडी व्यापारियों ने कल से अनिश्चितकालीन मंडी बंद करने का ऐलान किया है। मंडी के सचिव मनोज कुमार के खिलाफ आक्रोश है और बाजार में घूमकर सब्जी दुकान बंद रखने की अपील की गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि सब्जी मंडी व्यापारी संघ अध्यक्ष तोलाराम ने ये जानकारी दी है। तो जैसलमेर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर सब्जी मंडी व्यापारियों का विरोध प्रदर्शन है। जैसलमेर की सब्जी मंडियां जो है वो बंद रहेंगी, कल से जैसलमेर के बाजारों से सब्जियां जो है वो गायब मिलेंगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राधेश्याम हमारे साथ जुड़ गए हैं। राधेश्याम, कल से सब्जी मंडी जो है वो बंद होने वाली है, क्या कुछ कारण निकल कर सामने आ रहा है? जी वर्षा, बिल्कुल बताना चाहूंगा। जैसलमेर की जो सब्जी मंडी है उनके अध्यक्ष और उनके साथ में कई ऐसे सब्जी मंडी के थोक विक्रेता हैं, वो विरोध कर रहे हैं और उन्होंने जो सब्जी मंडी के सचिव है उन पर वो आरोप लगाए हैं कि उनके द्वारा एक व्यक्ति विशेष यानी कि एक व्यापारी को लाभ पहुंचाने के लिए अन्य जो व्यापारी है उनके हितों का कुठाराघात किया जा रहा है और कई ऐसी परेशानियां आ रही है जिनके चलते उन्होंने आज एक दिन के लिए सब्जी मंडी का संचालन है वो नहीं किया। वहीं उन्होंने जैसलमेर शहर में घूमकर जो भी सब्जी के विक्रेता हैं, ठेले वाले और जो खुदरा व्यापारी है उनसे उन्होंने बात की है और उनसे अपील की है कि कल से वो सब्जी का ठेला अपना है वो नहीं लगाए और कल से सब्जी है वो उसकी बिक्री नहीं करे। तो ऐसे में यदि ऐसा होता है और कल से क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि कल 5 तारीख को सब्जी मंडी पूर्णतः बंद रहेगी, सब्जी मंडी में किसी प्रकार की सब्जी की बिक्री जो थोक में होती है वो नहीं होती, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जैसलमेर जिले से और जैसलमेर मुख्यतः जैसलमेर शहर से है वो बाजारों से कल जो हरी सब्जियां हैं वो गायब मिल सकती है और कहीं ना कहीं उसका जो असर है वो जैसलमेर के लोगों की रसोई पर सीधे तौर पर दिखाई देगा कल से। जी बहुत शुक्रिया राधेश्याम हमसे जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसलमेर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर सब्जी मंडी व्यापारियों का विरोध प्रदर्शन है। जैसलमेर की सब्जी मंडियां जो है वो बंद रहेंगी, कल से जैसलमेर के बाजारों में हरी सब्जियां गायब हो सकती हैं। साथ ही आपको बता दें कि सब्जी मंडी के व्यापारियों ने कल से अनिश्चितकालीन मंडी बंद करने का ऐलान किया है और मंडी के सचिव मनोज कुमार के खिलाफ आक्रोश जताया है। वहीं बाजार में घूमकर सब्जी दुकान बंद रखने की भी अपील की है और सब्जी मंडी व्यापारी संघ के अध्यक्ष तोलाराम ने ये जानकारी दी है।